मेरे पास एक युक्ति है जिससे चोर सोहन सिद्ध हो जाएगा और तुम साफ बच निकलोगे। उसके पश्चात धनीराम के यहाँ से चोरी किए गए धन में से मुझे कुछ हिस्सा दे देना। अरे नहीं नहीं पंडित रामाकृष्णा जी, हमने चोरी की ही नहीं। सोहन तुमसे अधिक समझदार प्रतीत होता है। अब मैं ये प्रस्ताव उसके समक्ष रखता हूँ, देखता हूँ वो इसे स्वीकार करता है या नहीं। सोहन, मुझे तुमसे कुछ विशेष बात करनी है। तुम्हारे परम मित्र सोहन ने तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अब वो तुम्हारे विरुद्ध गवाही भी देगा। अब चोरी का दंड भुगतोगे तुम और चोरी के धन से आनंद करेगा वो, और हाँ मुझे मेरा हिस्सा भी देगा। नहीं नहीं पंडित रामाकृष्णा जी, मैं आपके बात पर विश्वास नहीं कर सकता। सोहन मेरा बाल्यकाल का मित्र है, वो मेरे साथ छल नहीं कर सकता। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो जाओ स्वयं जाकर उससे पूछ लो कि मैंने उसके कान में क्या कहा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें बताएगा ही नहीं कि हम दोनों के बीच क्या बात हुई। जाओ पूछो। सोहन, पंडित रामाकृष्णा ने तुम्हारे कान में क्या कहा? कुछ नहीं। सच सच बताओ सोहन, उन्होंने तुम्हारे कान में क्या कहा? कहा ना, कुछ नहीं कहा। सोहन, चोरी की धन के लोभ में तुम मेरे साथ छल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बाल्यकाल का मित्र हूँ, मैं तुम्हें अंतिम बार पूछ रहा हूँ, पंडित रामाकृष्णा ने तुम्हारे कान में क्या कहा? अरे मोहन मेरे मित्र, मैं बता तो रहा हूँ, उन्होंने मेरे कान में कुछ नहीं कहा। ये बात है तो मैं सबको बता दूंगा कि धनीराम के घर चोरी मैंने अकेले ने नहीं की थी, बल्कि उस चोरी के अंदर तुम भी मेरे साथ थे और चोरी की योजना भी तुमने बनाई थी। और अब पंडित रामाकृष्णा के साथ मिलकर मुझे अकेले को फंसाना चाहते हो और चोरी का धन उनके साथ बांटना चाहते हो। महाराज, अब तो चोरों ने भी अपराध स्वीकार कर लिया है। सोहन और मोहन पर चोरी करने का आरोप सिद्ध हो चुका है, इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। पंडित रामाकृष्ण, हम जानना चाहते हैं आपने उनके कान में क्या कहा? बड़ी महारानी, मैंने इसके कान में कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, हमने स्वयं देखा, आपने इनके कान में कुछ तो कहा है। जी छोटी महारानी, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने इसके कान में कुछ नहीं कहा। पंडित रामाकृष्ण, ये कैसी पहेली बुझा रहे हैं, बता क्यों नहीं देते कि आपने उसके कान में क्या कहा था? महाराज मैं वही बता रहा हूँ, जब मैंने देखा कि ये दोनों अटूट परम मित्र हैं और इस प्रकार अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे, तो मोहन के हृदय में संदेह उत्पन्न करने के लिए मैंने सोहन के कान में यही दो शब्द कहे, कुछ नहीं। और जितनी बार मोहन ने सोहन से पूछा कि मैंने उसके कान में क्या कहा, तो वो बेचारा तो सत्य ही कह रहा था कि मैंने उसके कान में कुछ नहीं कहा। मतलब पंडित रामाकृष्णा ने दो शब्द कहे थे, कुछ नहीं, और सारा भेद खोल के रखवा दिया। अद्भुत पंडित रामाकृष्णा, अद्भुत। एक बार पुनः आपने अपने बुद्धि कौशल और चातुर्य का परिचय सबको दिया है। धन्यवाद महाराज। सावधान महाराज, अग्नि। महाराज के प्राण संकट में है, अब शकुन की काली छाया उन पर मंडरा रही है। ये कौन अब शकुन? कहीं वो साधु का कथन? हे भगवान,
स्वप्न था, अच्छा हुआ ये स्वप्न था। तुम्हारे महाराज के प्राण संकट में है, बचा सको तो बचा लो। हे भगवान, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला है। हम महाराज के पास जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम महाराज को निद्रा से उठाएंगे। धनी मनी, ओ धनी मनी, धनी मनी उठो, अरे उठो उठो धनी मनी, उठो उठो। और सुनो सुनो सुनो, भाग कर जाओ पंडित रामकृष्ण के निवास पर, उनसे कहो कि शीघ्र अति शीघ्र महाराज के पास पहुंचे, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। उठो जाओ जाओ जाओ, जा रहे जा रहे। अरे गुरुजी मालकी, चल रे। महाराज के प्राणों पर संकट आया, महाराज को बताना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। अरे अरे, देख कर नहीं चल सकते क्या? जानते नहीं हम कौन है? जानते गुरुवर। अरे जानते हो, फिर भी सामने खड़े हो, हटो मूर्ख। प्रणाम मित्रों, मैं जानता हूँ आप सब आज की पहेली की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, तो आज की पहेली है मुझे सुनाती सबकी नानी, प्रथम काटे तो होती हानि, बच्चे भूलते खाना पानी, एक था राजा और एक थी रानी। इसका उत्तर मैं आपको धारावाहिक के अंत में दूंगा। क्या जलेबियां बनाई हैं शारदा, अत्यधिक स्वादिष्ट हैं, आनंद आ गया। क्या कहा, मालपुआ भी है, ले आओ ले आओ, मालपुआ भी ले आओ। ए बंधु। रामा, अरे ओ रामा उठ, जाकर देख कोई द्वार खटखटा रहा है। अरे उठ ना, मेरी पूरी निद्रा भंग कर दी। शारदा, और शारदा द्वार खोलो, द्वार पे कोई आया है। उठानो, उठाने नहीं कह रहा हूँ, द्वार खोलने कह रहा हूँ। वही तो हम कह रहे हैं, स्वयं को निद्रा से उठा लो और द्वार खोलिए। जी निद्रा आ रही है, तुम जाकर द्वार खोलो। आप खोलिए। खोलो ना शारदा। अरे आप खोलिए ना। मुख्य द्वार तो मैंने खोला ही नहीं, फिर वो जो कोई भी है भीतर कैसे आया? चलो चलो देखते हैं। हे भगवान, अरे अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ और तुम्हारी लाठी का उदय हो गया, क्यों मारा मुझे? तेरे कारण चैन से सो भी नहीं पाऊंगी। क्या किया है तूने? अब क्या किया मैंने? क्या किया आपने? पता नहीं, कुछ तो किया ही होगा, तभी तो धनी मनी आए थे, कह रहे थे कि तताचार्य का कोई संदेश है, तुझे इस समय राजमहल महाराज के पास बुलाया है। इस समय राजमहल बुलाया है? सब कुशल तो है? वो पता नहीं, मैंने उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं, दोनों को डंडे मार के भगा दिया। बस डंडे लगाने के अतिरिक्त तुम्हें कुछ आता है? और इस समय महल बुलाया है, अवश्य कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, मैं देख कर आता हूँ। हाँ ये सो जाओ दोनों। गुरुवर आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज नहीं, ये निरंतर हो रहे अपशगुन और हमारे स्वप्न के मध्य कोई तो सामंजस्य अवश्य है। प्रणाम महाराज, प्रणाम बड़ी महारानी, प्रणाम छोटी महारानी, प्रणाम गुरुवर। सब कुशल मंगल तो है गुरुवर, आपने इस समय मुझे क्यों बुलवाया? इसलिए पंडित रामकृष्णा, क्योंकि महाराज के प्राण संकट में हैं, हैं? और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर महाराज को समझाएं कि पहले मैं स्वयं तो समझ लूं कि बात क्या है। पंडित रामकृष्णा, गुरुवर ने एक स्वप्न देखा है जिसे देखकर वो भयभीत हो गए और यहाँ दौड़े चले आए। अवश्य ही स्वप्न में इन्होंने भूत देख लिया होगा, इसलिए भयभीत हो गए हैं। अरे भूत नहीं देख लिया, आपको देख लिया इसलिए भयभीत हो गए। आपने अवश्य आईना देखा होगा, इस कारण आप भयभीत हुए हैं। देख देख देख, देखिए हमारा, देखिए कैसे हमारा उपहास उड़ा रहे, आपको तो हम बुलाने नहीं चाहिए। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण,
हम आपको समझाते हैं हुआ क्या। गुरुवर ने एक स्वप्न देखा जिसमें हमारे प्राणों पर संकट था, परंतु गुरुवर की चिंता का मुख्य कारण ये है कि इन्होंने वो स्वप्न रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में देखा। और गुरुवर का कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न अवश्य सत्य होता है। परंतु हमारे मायके में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। महारानी महारानी महारानी, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न सत्य होता है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा था जो सत्य हुआ था। ये क्या बात हुई गुरुवर, हम अपने स्वप्न के विषय में दरबार के समय भी तो बता सकते थे, व्यर्थ में ही महाराज की महारानियों की और मेरी निद्रा भंग कर दी। अरे पंडित रामाकृष्णा, या महाराज के प्राणों पर संकट है और आपको निंद्रा की पड़ी है। गुरुवर गुरुवर, आप जैसा प्रकांड पंडित ऐसे अंधविश्वासों की बातों पर विश्वास करे ये आपको शोभा नहीं देता। मैं बताऊं, मैंने भी एक बार स्वप्न देखा था ब्रह्म मुहूर्त में कि आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कभी प्राप्त हुई क्या? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? गुरुवर, आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं और एक पिता के लिए अपनी संतान की चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु आप चिंतित ना, हम यहाँ अपने राजमहल में सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं होगा। चलिए गुरुवर, मैं आपको आपके निवास स्थान पर छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। बस यदि महाराज के प्राणों पर संकट आया तो भले हम अपने प्राण दे देंगे किंतु महाराज को अवश्य बचाएंगे। गुरुवर, आप कोई योद्धा थोड़ी ना है कि यहाँ बैठे बैठे महाराज के प्राणों की रक्षा करेंगे। अरे आप तो प्रकांड पंडित हैं, आपको महाराज के प्राणों की रक्षा हेतु महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ये उचित है, हम महामृत्युंजय का जाप करेंगे। हाँ, बिना स्नान किए करेंगे? पंडित रामाकृष्णा, स्नान किए बिना हमने कभी पूजा तक की है क्या? तो स्नान भी क्या यही करेंगे? हाँ यही करेंगे। क्या यहाँ करेंगे? आपके अंतर्वस्त्र तो आपके घर पे है ना, यहाँ आने से पूर्व आपको अपने अंतर्वस्त्र लेकर आने चाहिए थे। अब आप यहाँ से उठिए, अपने निवास स्थान पर चलिए, वहाँ स्नान कीजिए, वस्त्र बदलिए और महाराज के प्राणों की रक्षा हेतु महामृत्युंजय जाप आरंभ कीजिए। हम जा रहे हैं और मंदिर में जाकर महाराज के लिए जाप करेंगे। और महाराज, पुनः आपसे निवेदन है, अपना ध्यान रखिएगा। अवश्य गुरु। अब चलिए पंडित रामाकृष्णा, लड्डू बटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? अरे ये लीजिए, प्रणाम महाराज। चलिए चलिए। बम बम भोले, अरे शिव शंकर, इस बालक की मनोकामना पूर्ण करो। ये अपने महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसकी प्रार्थना सुनो। आप चाहे तो इसकी प्रार्थना नहीं सुन सकते, चाहे तो सुन सकते हैं, किंतु मेरी प्रार्थना है कि इसकी प्रार्थना सुनी। हे, आप तो वही साधु महाराज हैं ना जिन्होंने हमें संकेत दिया था कि हमारे महाराज के प्राण संकट में है। तुम्हारे महाराज के प्राण संकट में है, अब शकुन की काली छाया उन पर मंडरा रही है। आप हैं कौन साधु महाराज? मैं चाहूं तो अपने बारे में बता भी सकता हूं, नहीं भी बता सकता, किंतु मैं बता देता हूं। हाँ बताइए बताइए। कि मैं हूं स्वामी संपूर्णानंद। हाँ? मैं तो हिमालय पर तपस्या कर रहा था, प्रभु की प्रार्थना कर रहा था, किंतु शिव जी ने स्वयं आकर मुझसे कहा। शिव जी ने स्वयं आकर कहा? शिव जी ने स्वयं कहा। क्या कहा? ये कहा, इस बालक के महाराज के प्राण संकट में है, जाकर सचेत कर दो। मैं चाहता तो तुझे सचेत कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था, किंतु मैंने तुझे सचेत कर दिया। जैसे हम सबको झूठ बोलते हैं कि शिवजी हमें दर्शन देते हैं, वैसे कहीं ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा ये बताइए, और क्या क्या कहा शिवजी ने आपसे? यही कहा शिवजी ने कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। कैसा स्वप्न? जिसे देखकर तू विचलित हो गया था, भयभीत हो गया था, चिंतातुर हो गया था कि तेरे महाराज के प्राणों पर संकट आया तो क्या होगा। आप तो अंतर्यामी। देखो तथाचार्य, आप तुम्हारा नाम भी ज्ञात है। हाँ, जब तुम्हारा स्वप्न ज्ञात है तो नाम कौन सी बड़ी बात है।
ध्यान से सुनो, तुम्हारा स्वप्न सत्य होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे महाराज को कुछ नहीं होगा, हमारी आयु भी हमारे महाराज को लग जाए। तुम्हारी आयु लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, किंतु लगेगी नहीं। वैसे तुम्हारे महाराज के प्राण तो जाने ही वाले हैं, किंतु तुम चाहो तो अपने महाराज के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। बताइए हमें क्या करना होगा। तुम विजयनगर के राजगुरु अपने महाराज के कान 11 बार खींचोगे तो उनके ऊपर आए हुए काल का साया हट जाएगा। ये क्या 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 कह रहे हैं आप? हम महाराज के कान कैसे खींच पाएंगे? हम ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ये महाराज का अपमान होगा। जब तुम्हारे महाराज का जीवन ही नहीं रहेगा तो ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लेकर क्या करोगे? किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अगर उसका अपमान भी किया जाए तो नीति संगत है। ठीक है, हम अपने महाराज के प्राणों की रक्षा हेतु ये टोटका करेंगे और तत्पश्चात हम महाराज को बता देंगे कि हमने उनके कान क्यों खींचे, ताकि उनको अपमान ना लगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महाराज से तो क्या, इस टोटके के विषय में तुम किसी से भी अपने जीववा से कुछ नहीं बोल सकते। और आज से 3 दिनों तक तुम्हें मौन व्रत लेना होगा, तो महाराज के प्राण बच जाएंगे। ठीक है, हम महाराज के प्राण बचाने हेतु 3 दिवस का मौन व्रत रखेंगे, अवश्य रखेंगे, और हम स्वयं अपने हाथों से महाराज के कान 11 बार खींचेंगे। किंतु कैसे खींचोगे ये तो दिखाओ। पास तो आओ। मेरे नहीं, अपने कान खींच के दिखाओ। है? अपने कान? हाँ, ऐसे। इतने धीरे से नहीं खींचना है, जोर से खींचो। ऐसे। और जोर से। ऐसे। और जोर से। ऐसे। और जोर से। ऐसे। ऐसे। और जोर से। ऐसे। कहाँ चले गए? शिव 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 शिव। हे प्रभु, हमारे महाराज के प्राणों की रक्षा कीजिए। पंडित रामाकृष्ण, हमारा केवल एक ही स्वप्न है, विजयनगर को पुनः उसके स्वर्णिम युग की ओर ले जाना। हम शीघ्र विजयनगर को भारतवर्ष में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होते देखना चाहते। अवश्य महाराज, मुझे भी आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके आदेशानुसार जल स्वच्छता, शिक्षा, राजमार्ग और आयुर्वेद सभी क्षेत्रों में तीव्रता से कार्य हो रहे हैं। उत्तम। अब इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे झाड़ियों के पीछे क्यों चल रहे हैं? पंडित रामाकृष्ण। महाराज। कहाँ रह गए थे? वो पुष्पों को देख रहा था, अत्यंत सुंदर है। अब ये गुरुवर का कौन सा नया परपंच है? इन्होंने कोई पुनः स्वप्न तो नहीं देख लिया? अरे गुरुवर, आप वहां झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हैं? इन्हें बड़ी मस्ती चढ़ी रहती है, जब देखो तब सब गुड़ गोबर कर देते हैं। आइए आइए, बाहर आइए। गुरुवर, आप वहां झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे? आज से 3 दिनों तक तुम्हें मौन व्रत लेना होगा। गुरुवर, गुरुवर, आप जो कर रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब समझा महाराज, आज प्रातः काल के स्वप्न के कारण ये झाड़ियों में छिपकर आपकी सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई छिपकर आप पर आक्रमण तो नहीं करने वाला, है ना गुरुवर? गुरुवर आप भी ना, परंतु आप यूं मौन क्यों हैं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ,
भाई, आप क्या कर रहे हैं? गुरुवर, हमें ज्ञात नहीं कि आपने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया हमारे साथ, परंतु पुनः ऐसी भूल ना हो।